Good morning, my dear lovely students. How are you all? I hope you all are doing well. In today's class, we'll start the new chapter, The Grasshopper and the Ant. जो ये स्टोरी है ये ग्रास हॉपर और एंट के बारे में है. यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है, ग्रास हॉपर एंड एंट. ठीक है, तो इसके बारे में है. Once there lived a lazy grasshopper. एक बार की बात है, एक जो ग्रास हॉपर था वो बहुत लेज़ी था, आलसी था. ही डिडंट लाइक टू वर्क. उसे काम करना पसंद नहीं था. ऑल डे लॉन्ग ही सैंग सॉन्ग्स एंड प्लेड इन द वॉर्म सनशाइन. पूरे दिन वो सिर्फ गाना गाता था और सुनहरी धूप के सामने खेलता था. मतलब सुनहरी धूप में वो खेलता रहता था और सिर्फ गाना गाता रहता था. ही लुक एट मी, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी. अब वो बोलता था, द ग्रास हॉपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग एंट्स एज दे वर्क डे एंड नाइट. अब जो वहाँ पे चींटियाँ थीं जो पूरे दिन रात हार्ड वर्क करती थी, मेहनत करती थी. हार्ड वर्क मतलब मेहनत करना, ठीक, कड़ी मेहनत करना. तो वो उनके ऊपर हंसता था कि देखो मैं कितना, जितना मैं खुश हो सकता मैं उतना ज़्यादा खुश हूँ, मेरी तरफ देखो. वी आर स्ट्रॉन्ग स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड. हम लोग अब एंट्स जो थी उन्होंने, दे रिप्लाइड, उन्होंने बोला कि हम लोग जो हैं वो ग्रेन, अनाज जो है जमा कर रहे हैं विंटर के लिए. अब उन्होंने वही बोला कि हम लोग जो हैं सर्दियों के लिए ग्रेन्स जो हैं, अनाज है वो इकट्ठा कर रहे हैं. द लेज़ी ग्रास हॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर. जो वो ग्रास हॉपर था वो बस ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था. समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड. अब जो गर्मी का मौसम था वो ख़त्म हुआ और जो ठंडी थी वो आ गई, ठंड का मौसम आ गया. द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग. अब जो हवा थी वो बहुत तेज़ चलने लग गई और बर्फ़ पड़ने लग गई. द ग्रास हॉपर नाउ बिगैन टू वरी. अब जो ग्रास हॉपर था उसे टेंशन हो गई, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है बेटा तो सारे जो पेड़ पौधे होते हैं, ग्रास हॉपर ज़्यादातर प्लांट्स और इंसेक्ट्स खाता है, तो उसको कुछ नहीं मिलता वहाँ पे, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा. क्योंकि जितने भी वेजिटेशंस होती हैं, जितने पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, वो जो हैं वो बर्फ़ पड़ने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं. देयर इज़ नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स. अब उसने कहा कि कुछ भी खाने के लिए नहीं है, ना पत्ते हैं जो ग्रास हॉपर खाता है, ना घास है, ना फूल है, ना पत्ते हैं. आई कान सी इवन द टाइनीस्ट फ्लाई और वॉर्म. इवन मुझे कोई छोटा सा फ्लाई मतलब मच्छर वगैरह या मक्खी या छोटे छोटे कीड़े भी नहीं दिख रहे हैं. वॉट विल आई डू, मैं क्या करूँगा. आई विल श्योरली स्टार्व, मैं पक्का भूखा मरूँगा. स्टार्व मतलब होता है भूख मरना, भूख से मरना या भूख लगना बहुत ज़ोर से. तो उसने कहा कि ही क्राइड, उसने ज़ोर से बोला कि मैं पक्का ही भूख से मर जाऊँगा. लेट मी मीट माई काइंड नेबर्स द एंट. अब उसने कहा कि चलो मैं अपने दयालु, काइंड मतलब था दयालु, दयालु पड़ोसियों से, एंट से, चींटियों से मिल के आता हूँ. द ग्रास हॉपर रिमेंबर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग एंड हाउ द हार्ड वर्किंग एंड हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन फॉर द विंटर. अब उसे याद आया कि वो लोग कितना मेहनत से अनाज जमा कर रहे थे सर्दियों के लिए. ही नॉक एट हर डोर. उन्होंने जो ग्रास हॉपर था उसने चींटियों के दरवाजे को नॉक किया, खटखटाया. डियर एंट, आई एम हंग्री एंड कोल्ड. अब उसने बोला प्यारी चींटी, मैं भूखा हूँ और मुझे ठंड लग रही है. आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है. प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड. क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हो. The ant shook in anger. जो चींटी थी वो गुस्से में चिल्लाई. Lazy one, आलसी. What were you doing all summer? तुम पूरी गर्मियों में क्या कर रहे थे आलसी कहीं के. You were only singing and dancing. तुम सिर्फ गाना गा रहे थे और नाच रहे थे. You should have thought of the cold winter months ahead. उसने कहा तुम्हें अपने पहले ही ठंडियों के बारे में सोच लेना चाहिए था पहले से ही कि क्या करना है. गो अवे, जाओ यहाँ से. शी स्लैम्ड हर डोर शट. और उसने ज़ोर से दरवाज़ा पटक दिया उसके मुँह पे. द लेज़ी ग्रास हॉपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर. और जो ग्रास हॉपर था वो पहले की तरह ही भूखा रह गया. सो यू हैव टू रीड द चैप्टर. नाउ विल कम टू न्यू वर्ड्स. हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती.
मेहनत करने वाला होता है, मेहनती या मेहनत करने वाला. माई मदर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, माई फादर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग. नेक्स्ट अराइव्ड मतलब होता है पहुँचना, पहुँचा. ओके, किसी भी जगह जब आप पहुँचते हो, आई अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम, मैं स्टेशन पर सही समय पे पहुँच गया. आई अराइव्ड लेट एट द स्टेशन, मैं स्टेशन लेट से पहुँचा, देरी से पहुँचा. स्टार्व मतलब होता है भूखा मरना या भूख लगना, दोनों ही. स्टार्विंग मतलब है भूख से, जब आपको बहुत तेज़ भूख लगती है, बहुत तेज़ भूख लगना या फिर भूखा मरना. सो आई एम स्टार्विंग, प्लीज़ गिव मी फूड, मैं भूख से मर रही हूँ, प्लीज़ मुझे खाना दो. शी इज़ स्टार्विंग, वो भूख से मर रही है. नेक्स्ट स्लैम, पटकना या पटक दिया, दोनों ही हो सकता है. She slammed the door on my face. उसने दरवाज़ा मेरे मुंह पे पटक दिया. She slammed the desk. उसने डेस्क जो है ज़ोर से पटक दिया. So you have to write down the new words with one sentence each in your notebook. Now we'll come to the reading is fun part. How did the grasshopper spend his days? So grasshopper अपना दिन कैसे स्पेंड करता था, तो यहीं पर है. So the answer of first question is all day long he sang songs and played in the warm sunshine. वो पूरे दिन सब गाना गाता था और सुनहरी धूप के आगे खेलता रहता, सुनहरी धूप में खेलता रहता था. So this is your answer one. Now we'll come to next question. The next question is did the grasshopper find food in winter? क्या grasshopper को winter में food मिला था? So the answer is no. नो के आगे कॉमा, द ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर के आगे होगा डिड नॉट फाइंड फूड इन विंटर. नो पहले नो होगा, कॉमा, द ग्रास हॉपर डिड नॉट फाइंड फूड इन विंटर. दिस इज योर आंसर टू. नो द ग्रास हॉपर डिड नॉट फाइंड फूड इन विंटर. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द एंट टेल द ग्रास हॉपर व्हेन ही आस्क्ड फॉर फूड. जब ग्रास हॉपर ने खाने के लिए पूछा या खाना मांगा तो एंट्स ने क्या बोला, तो इसका आंसर ये है, लेजी वन, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग. दिस इज योर आंसर थ्री. लेजी वन, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग. ठीक है, तो ये आपका आंसर थ्री है. सो यू हैव टू राइट डाउन रीडिंग इज वन इन योर नोटबुक. नाउ लेट्स टॉक. If you were asked to store things for the winter, what would you store? अगर आपको name any three things, आपको अगर कोई तीन चीज़ें winter के लिए store करके रखने को कहा जाए तो आप कौन सी तीन चीज़ें रखेंगे? जैसे I can store water, क्योंकि पानी की ज़रूरत होती है अगर मुझे बोला जाए. Winter clothes रख सकते हैं, या फिर मेरी कोई फेवरेट चीज़. ठीक है, तो आपको जो भी तीन चीज़ें आपके मन से पसंद हैं वो आप बताएंगे. नेक्स्ट, विच सीज़न डू यू लाइक द बेस्ट. आपको सबसे बेस्ट सीज़न कौन सा लगता है, समर, विंटर, ऑटम, उसके बाद स्प्रिंग या रेन, वो आपको बताना है. नेक्स्ट, टेल द क्लास द स्टोरी ऑफ द ग्रास हॉपर एंड द एंट इन योर ओन लैंग्वेज. आप ग्रास हॉपर और एंट की जो स्टोरी है उसे हिंदी में बताना है, और इसको आप लोग प्रॉप यूज़ करके बता सकते हैं कि मतलब आपके घर में कोई एक एंट बन जाएगा, कोई एक ग्रास हॉपर बन जाएगा, और दो लोग मिलकर वो स्टोरी इनएक्ट कर सकते हैं. तो ये तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, और इन दो क्वेश्चंस के आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है. नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग, सर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम. आपको दो ऐसे दो वर्ड सर्कल करने हैं जिनका मतलब सेम है. जैसे स्पीक मतलब बोलना, और टॉक मतलब भी बोलना होता है, शाउट मतलब चिल्लाना होता है, तो ये सेम मतलब नहीं है. नेक्स्ट इज कम्प्लीट मतलब पूरा काम करना, फिनिश भी मतलब होता है पूरा काम करना, स्टार्ट मतलब होता है किसी चीज़ को शुरुआत करना, तो दो वर्ड ही हो गए. नेक्स्ट, स्मॉल मतलब छोटा, थिन मतलब पतला, और लिटिल मतलब भी थोड़ा होता है, तो लिटिल और स्मॉल एक होगा. नेक्स्ट, सिक मतलब बीमार पड़ना, इल मतलब भी बीमार पड़ना होता है, स्टूट उसका मतलब यहाँ पर इससे मतलब नहीं है. नेक्स्ट, बिग मतलब बड़ा, लार्ज मतलब भी बड़ा होता है, फैट मतलब मोटा,
तो आपको इन वर्ड्स को एनसर्कल करना है, इसको आप बुक में ही करेंगे। सो लेट्स टॉक का वीडियो रिकॉर्ड और फर्स्ट टू क्वेश्चंस का ऑडियो रिकॉर्ड होगा। रीडिंग इस वन को नोटबुक में करना है, न्यू वर्ड्स को नोटबुक में करना है एंड चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। आफ्टर दिस चैप्टर योर सिलेबस विल बी फिनिश्ड एंड देन यू विल ओनली हैव योर ओरल टेस्ट एंड योर क्विज टेस्ट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, रीड द चैप्टर फुली बिकॉज नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू हैव योर रीडिंग टेस्ट ऑन कमिंग सैटरडे। That's all for today's class. Thank you and have a good day.